हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। ये सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है, आप जो है ना यार सुने तो सही, आप मजे ले रहे हैं, आपको मजा आ नहीं रहा, मैं मजे देने के लिए भी तैयार हूँ, मेरी बात सुन ले बस। अंदर की बात ऐसा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमने बहुत बेसिक सवाल रखे ताकि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मजीद जान सकें। जैसे कि आप लास्ट कॉफी डेट पे या कॉफी हैंगआउट पे किसके साथ गई और कब गई? आई एम कैफीन इनटॉलरेंट। यू आर कैफीन इनटॉलरेंट, अच्छा ठीक है, सही है भाई, ठीक। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हानिया। हानिया अहमद, ठीक है। आज आपने किसी को अपनी सेल्फी खींच के भेजी? आज हाँ, मेरे पापा मुझसे रोज बोलते हैं तो आपने भेजी, हाँ सेल्फी खींच के भेजो। क्यूट। लास्ट टाइम आप कब रोई हैं? लास्ट टाइम मैं कब रोई? परसों। आप बताना चाहेंगी क्यों? I was actually 2 days ago. I was supposed to catch a flight to London, and this is really weird actually. उसका कोई context है खैर, but किसी वजह से काफ़ी time से मुझे लग रहा है कि मेरे काम में जो है वो रुकावटें आ रही हैं. There's a few things that I found out as well. So I was like, मैं सात समंदर पार कर रही हूँ, I'll be good, और मैं जा रही हूँ, and you know, I was texting my friends airport से बैठ के, हम लोगों का एक ग्रुप है, मैंने कहा फाइनली मैं जा रही हूँ यार, हो गया, बोर्डिंग हो गई, सब हो गया। I even got to meet वसीम बदामी, क्योंकि उन्होंने ना वो किसी और कोई और फ्लाइट ले रहे थे, तो मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह, उनकी फ्लाइट मुझसे एक घंटा पहले जा रही थी, मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह मैं उनसे पहले मिलने चले गई, तो फिर मैं गेट के पास ही बैठ गई ना, मैंने उधर आधा घंटा वेट भी किया, 20 मिनट रहते थे मेरी फ़्लाइट को, एंड आई गॉट अ कॉल जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, कोई एमरजेंसी ऐसी हुई कि आई हैड टू मिस दैट फ्लाइट, एंड आई वॉज लाइक कुछ सिवियर किस्म के लगता है कोई मसाइल हुए हैं कि वो प्रोफेशनल समंदर पार भी नहीं किया जा रहा, वो एक प्रोफेशनल काम था, एंड देन यू हैड टू, कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी, बट वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी नहीं जो लंदन में आप कर रहे हैं, लंदन में प्रोफेशनल काम था, या एंड अनफॉर्चूनेटली देन आई कुडंट गो, सो देन आई रियली क्राइड अ लॉट। नाउ कैन यू गो? या वो आई डोंट नो, आई एम गोना ट्राई अगेन। यार लंदन वाले आप जो भी हैं यार, प्लीज यार ऐसे ना करें यार, मैं आज आपके बिहाफ पे सबसे बात करूंगा यश। तो मैंने ऑफलोड किया, आप सोचे मैंने मेंटेनेंस आई थिंक एक एज में जाके सबको जरूरत पड़ती है, सो आई तब सोचूंगी जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सही हो गया। फर्स्ट पे चेक आपको याद है? यस। कितने का था? 3000। 3000? या इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, को क्या अपने काम, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने स्कूल में वो ऑडिशंस के लिए आए थे, सो उस पे मैंने एक कमर्शियल किया था, अब मैं नाम नहीं लिख सकती कौन से ब्रांड का, किसी तेल का, मुझे पता चल गया आपके बारे में, किसी तेल में आप कोई नाम नहीं लेंगे, मैं आप लोगों के लिए शो के लिए बोल रही हूँ, मतलब बगैर मुझे पैसे दिए बगैर अगर आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप करी, तो उन्होंने वो कमर्शियल का वो, आई वॉज ओनली आई थिंक व्हाट 9 At 9 you earned 3000 rupees. That's really cute. आपने वो 3000 रुपयों का क्या किया? आपको याद है? अम्मी के पास ही रह गए, आंटी के पास चले गए वो पैसे। आखिरी चीज क्या खरीदी है आपने? ओ, 5 तोला सोना। 5 तोला सोना खरीद लिया आपने? ओए हो, और आपने बता भी दिया। थोड़ा सस्ता हुआ हुआ था ना? हाँ। तो वो मैंने कहा चलो इन्वेस्ट कर लेती हूँ। Is it also the most expensive thing that you bought? What is the most expensive thing that you bought till date? The most expensive thing that I got and I'm proud of, very proud of, is my car. Is your car? Yeah. as somebody who loves cars, I appreciate your decision. ठीक है। आज कौन सा गाना सुना आपने? आज मैंने कौन सा गाना सुना? सुना है कोई गाना आज आपने? वो कैफे खलील का मैं सुन रही थी, because मुझे प्यार हुआ था। हाँ, वो एक गुनगुनाए ना दो लफ्ज, मुझे पता था गाने का शौक था, सिंग टू सेव माय लाइफ, बट आपको शौक था, आपने मुझसे मार्केटिंग भी करवा ली, आपने मुझसे अपोलॉजी भी ले ली, आपने मुझसे, अरे मैंने कैसे कर लिया, अब आप जो है
से गाना भी गवाएंगे कुछ तो छोड़ दे। ये कहना चाह रही कि मैं जो चाहूं करवा सकता हूं, इतनी पावर देखिए, मतलब पैसे बढ़ाए इनके बहुत से होस्ट हैं भाई, आप मैं तारीफ कर रही हूं आप। ये थैंक यू यार, कुछ तो देखें यार, आप ख्याल करें यार, यशमा भी कह के जा रही पैसे बढ़ाए। अच्छा तो आज गाना नहीं गाएंगे आप, ये फैसला कर लिया आपने, ये आपका प्रिंसिपल स्टांस है कि गाना नहीं। बहुत बुरी आवाज है यार, आपने डिसाइड कर लिया, बहुत बुरी आवाज, लोग इधर से ना शो बंद कर देंगे, तो आप चाहते हैं ऐसा? नहीं मैं तो नहीं चाहता, तो फिर मत गवाएं मुझे। चलें ठीक है, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। चलें ये बता दें, आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? आखिरी मूवी सवाल अच्छे ना देखे, फन सवाल है। मुझे नाम नहीं पता, आलिया भट्ट की थी, किसी की दुल्हनिया। हाँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। नहीं नहीं आलिया हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया।